दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। जब भी आप कंप्यूटर चलाते हैं तो कई बार कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम आती है, प्रेस F1 टू कंटिन्यू, डेल टू एंटर सेटअप। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, किसको कैसे सही करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए जो डेल है ये, यहाँ पे इसका मतलब है कीबोर्ड से आप जो है डिलीट बटन प्रेस करें, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सेटअप के अंदर चला जाएगा, सीमोस सेटअप में, ठीक है। यहाँ से आप इसके ऊपर सीमोस फीचर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे थोड़ा सा, धीरे 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 धीरे, और जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ड्राइव ए, जो ये है ड्राइव ए 1.4.4, इसको आप दोस्तों नन कर दें, यहाँ पे एंटर करें और इसको यहाँ जाके नन कर दें आप, ठीक है। इसको नन करने के बाद आप F10 बटन जो कीबोर्ड के ऊपर है, F10 वो बटन दबाएं। अभी पूछेगा सेव टू सीमोस एंड एग्जिट, तो आपको करना है यस, वाई दबाना है, ठीक है, और एंटर दबा देना है। अब जो आपका कंप्यूटर है फिर से स्टार्ट होगा, लेकिन अब की बार जो आपकी F1 मांगने की समस्या है वो नहीं आएगी, ठीक है। आपका जो कंप्यूटर है डायरेक्टली रन हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो विंडो है सीधी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, देखिए ये सीधी स्टार्ट हो गई है। तो बिल्कुल जो है छोटा सा, एक छोटी सी समस्या है, वो आप इसको इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।